हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव आपका स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। महिलाओं के अंदर वाइट डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं वैसे ही इसका स्तर बहुत बढ़ जाता है और महिलाओं के दिमाग में ये सवाल आने लगता है कि क्या ये नॉर्मल है या फिर इसमें कोई परेशानी की बात है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइट डिस्चार्ज आखिर होता क्यों है और प्रेगनेंसी में ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है या नहीं, और आपको किन कंडीशंस में चिंता करने की ज़रूरत है। तो आप मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होता क्यों है। देखिए, पीरियड के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोन का लेवल ऊपर और नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से आपके शरीर से वाइट डिस्चार्ज निकलता रहता है। इसका मेन कारण ये भी होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना जा सके, इसलिए आपके शरीर से वाइट डिस्चार्ज निकलता रहता है ताकि आगे चलकर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। इसके अलावा महिलाओं के अंदर वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी की मदद से ओव्यूलेशन पीरियड में रिलेशन बनाने के बाद स्पर्म महिला के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा क्यों होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और आपके शरीर में ब्लड का प्रेशर भी बढ़ने लगता है ताकि आपके गर्भाशय तक ब्लड को आसानी से पहुंचाया जा सके। तो इसकी वजह से ही आपके शरीर में होने वाली ये प्रक्रिया, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज बनता है, वो बढ़ जाती है और आपके शरीर में वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगता है। प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है ताकि प्राइवेट पार्ट के जरिए कोई भी इन्फेक्शन आपके गर्भाशय तक और आपके बच्चे तक ना पहुंच सके। आमतौर पर वाइट डिस्चार्ज रंगहीन, गंधहीन और हल्का सा चिपचिपा होता है, और अगर आपको भी ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किन कंडीशंस में तुरंत अपने डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। तो यदि आपको यूरिन करते टाइम जलन महसूस हो रही है या फिर आपको अपने प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा गंध महसूस हो रही है, खुजली हो रही है, तो इन कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। इसके अलावा यदि आपको अपने प्राइवेट पार्ट से यूरिन जैसा बिल्कुल वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, यानी वो चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल पतला है और आपको हल्का सा ब्लड भी फील हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हल्का चिपचिपा और गाढ़ा सा डिस्चार्ज फील हो रहा है तो फिर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसमें से गंध आती है या फिर अचानक से किसी महीने ये बहुत ज़्यादा होने लगता है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई परेशानी वाली बात तो है और आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। मैं फिर से बोल रही हूँ कि महिलाओं के अंदर वाइट डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल प्रोसेस है और प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ज़रूरी भी है ताकि आपके बच्चे तक किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना पहुंच जाए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है और प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होना ज़रूरी क्यों होता है और कब आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।